बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर सूबे के परिवहन विभाग ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं, जिसके तहत राजधानी देहरादून के परिवहन विभाग अधिकारी सुनील कुमार शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने शुक्रवार को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि परिवहन कार्यालय पर आए लोगों की पूरी समस्या सुनी जाए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो हमारा अब टारगेट है वो हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहला, ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आए उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस में किसी पटल पर आता है, पहला तो हम PRO एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस बनाएंगे यहाँ पर, और किसी व्यक्ति को कोई भी जानकारी चाहिए होगी लिखित में देंगे हम उसको जानकारी, ताकि उसे बार बार ऑफिस में आकर हर कागज के लिए पूछने ना आना पड़े। हम लोग जनता के सेवक हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि वैसे तो ज़्यादातर सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी जो भी पब्लिक यहाँ, जो भी जनता यहाँ सेवा के लिए आ रही है, सर्विस के लिए, वो सुचारू रूप से और सुविधापूर्ण तरीके से हो, परेशान ना होना पड़े। एक सर ने कहा है एक डेस्क भी हम यहाँ पे PRO डेस्क भी शुरू करेंगे, जिससे कि ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हैं, जिसमें जिसको जहाँ भी दिक्कत आ रही है, असुविधा हो रही है, वहाँ से हेल्प किया जाएगा। एक तरह से जो पूछताछ जो पहले होता था, अब उसको हम थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बनाएंगे।